400 साल पुराने जुनेन्दौर चंद्रभागा स्थित पोटली वाले गणेश को शनिवार को स्वर्ण मंडित सिंहासन पर विराजित किया जाएगा। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर भगवान को विराजित करने का संकल्प 10 साल पहले भक्तों ने लिया था। भक्तों के प्रयास से अब वह संकल्प पूरा हो रहा है। भगवान के लिए सिंहासन इंदौर के शिल्पकारों ने बनाया। इस लकड़ी पर बने सिंहासन पर जयपुर के कारीगरों ने स्वर्ण परत चढ़ाई है। रिद्धि सिद्धि चिंतामन गणपति को विधि विधान से सिंहासन पर विराजित किया जाएगा। पुजारी पंडित गणेश प्रसाद पुराणिक ने बताया कि भक्तों के बीच ये मंदिर खास पहचान रखता है। दस वर्ष पूर्व करवा चौथ के दिन ही गणेश जी की इस प्रतिमा ने अपना चोला छोड़ा था। चोला छोड़ने के बाद गणेश जी का जो मूल स्वरूप सामने आया, उसमें गणेश जी के चार हाथों में से एक सीधे हाथ में पोटली दिखाई थी और तब से ही इन्हें पोटली वाले गणेश जी का नाम मिल गया। 400 साल पुराना मंदिर है, इसके दाहिने तरफ से उन्हें इनके एक हाथ में पाषाण है, एक हाथ में लड्डू लिए हैं, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है और एक हाथ में इनके धन की पोटली है। तो 400 साल पहले गडेरिया लोगों ने इसकी स्थापना करी थी, उसके बाद से पूजा हमारे गणेशानंद जी महाराज जो थे वो इस मंदिर को संभाल रहे थे। उसके बाद में मैंने इस मंदिर को अपने सेवा में लिया है। इसको करीब करीब 335 साल करीब मेरे को हो गए यहाँ पे। 1984 में गणेश जी की रिद्धि सिद्धि की स्थापना हमने इसकी की थी और करवा चतुर्थी के दिन गणेश जी ने चोला छोड़ा था 150 साल के बाद। उसके बाद में सारा स्वरूप हमको इसका अंदर का दिखा कि भाई इनके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद में ये पोटली का प्रचलन शुरू हुआ। उस समय भक्तों ने संकल्प किया था कि पोटली वाले गणेश जी को स्वर्ण मंडित सिंहासन पर विराजित किया जाए। इस सिंहासन का निर्माण इंदौर के शिल्पकारों ने पिछले एक वर्ष में पूरा किया है। इसमें शुद्ध रूप से लगभग 250 ग्राम स्वर्ण का प्रयोग हुआ है। इसमें पुराने जमाने की पोटली है तो हमने वो अंदाज से लगा करके इनका पोटली वाला नाम गणेश जी का रखा। हर गुरुवार को यहाँ से हर्षद पीली हल्दी की गांठ शादी के लिए दी जाती है। इसमें कई लोगों की शादियाँ यहाँ से हो चुकी हैं, ये इसके मान्यता है यहाँ पे। अभी चोला छोड़ने के बाद में कुछ भक्त लोगों ने मान्य करा था कि भाई इनको स्वर्ण के आभूषण बनवाए। हमने कहा कि इनका सिंहासन बनवाओ अच्छा रहेगा। सब भक्तों ने मिल करके 1.5 साल में सिंहासन बनवाया इसमें और इसके बाद में कल करवा चतुर्थी को इसका जो पूजन पाठ करके और स्वर्ण का जो आसन है इनको समर्पित किया जाएगा। कितनी लागत से पंडित जी से लागत वागत तो इसके गुप्त रखी है अभी हाल, क्योंकि सब भक्तों की सेवाएं मिली हैं। अब इसमें किसी ने क्या दिया किसी ने क्या दिया तो अंदाज नहीं लगा पाए हैं इसका अपन ने। अब अभी काम हो गया इनका, अपन तो ये सोच रहे हैं कि काम हो गया अच्छी तरह से, लागत का अभी कुछ निश्चित नहीं है। फिलहाल गणेश जी मार्बल से निर्मित गर्भगृह में विराजित है। गणेश जी को स्वर्ण मंडित सिंहासन पर विराजित करने के पूर्व स्वर्ण के त्रिदोष का निवारण भी किया गया है। वर्तमान में मंदिर के विस्तार का कार्य गत 5 वर्षों से उड़ीसा के कारीगरों द्वारा किया जा रहा है।